मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग। तो आज है सजल सजल का तुम्हारा पेपर है, साइंस का पेपर, साइंस का पेपर, साइंस का। चले जाओ दोनों, चले जाओ, क्या पता सीएनजी वगैरह डलवानी पड़ेगी उनकी में। रे तैयारी, अभी आप सबको मिलाऊंगी, उन बच्चों से भी एग्जाम के लिए। अभी टाइम हो गया है हमारा 8 o'clock, हो रहा सामने टाइम हो गया, और ये हो गया रेडी। और अब ये इंट्रोड्यूस कराएगा किस किस की कितनी कितनी तैयारी है, कौन कौन आए हैं। तो इसके साथ जाते, देखो ये जूती आप देख रहे होंगे, इसके जूते अभी नहीं है क्योंकि ये तैयार होते हैं हाफ हाफ। अब चलो लो मिला दो बच्चों को, मैं इनके लिए चाय नाश्ता लगा दूं। हाँ भाई पढ़ाई लिखा वालों को कितना पढ़ा है, पढ़ा है तूने भाई टॉपर, पढ़ के आएगा फिलहाल तो, कितना पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए। अच्छा बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में तो एक वो ऑर्गेनम उसको डिवाइड करके तीन पार्ट में काट के नहीं वो रीजनरेशन हो जाएगा। बाइनरी फ्यूजन में कल तक सिंगल पेरेंट होता है। छोड़ भाई छोड़ो, ऑल द बेस्ट। मने किट बाय। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम आ गए हैं शादी के घर में, जो मैंने आपको बताया था प्रथाएं, और लड़की जो हुई है उसे भी हॉस्पिटल देखने के लिए जाएंगे। चलिए चल, तो हो गया आधे, बस ज्यादा ही ये 2.5 किलो चावल ना, और ये 7 जगह, देखो ये 9 जगह गुड़ और वो। हाँ देवताओं के काम, हाँ हाँ बाद में रहेगी। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ पर, लगा दो ले तो इतने पल्ले में लिखा नीचे कोने में जमा दे, कोने में कर दो यार, दो रहे आगे लग जाएंगे बिल्कुल, कोने सारे और लगा देंगे। बीच में कर दे सारा सामान, कितनी टिकली है ये 7, ठीक 7 टिकली है, 7 यंत्र के ऊपर, और इस तरह से एक के ऊपर एक सारे 9वीं पोती आ गई। चलो कोई बात नहीं, पोती आ गई, हो गया लाइव, वो ऐसी वाली चल रही है, हाँ चलती रहेगी रील से। एक ऑन है ना बाला साब सीधी है, ये टूटी सी है, देखिए भाई तुम्हारे जब संग में रहेंगे तो मुझे तो देखने पड़ता है, हां ना देखो 6 तुम्हें भी तो 12 हो जाने हैं, लोग आजा काई के दो बन रही है, वो दो ना दो किसी का कम कही दी, हम भी छड़े फिर और क्या जतवारी है जब तुमने बनवाई, ये साथ साथ हुआ बैन होगी स्टार्ट। तो आज हो रहा है हमारे यहाँ पर दही देवताओं का काम, और यहाँ पैसा भी डर दे, दो जगह देखिए पैसा दो, दो इसमें की माता भी है, तो ये माता भी इस तरह से काम हो रहा है देवताओं का, पूजन का काम को है, वो पहले वाला है, तू चावल के टाइम पाई करी, हाँ ये पहला
एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ फिर से कर रहे हैं वेलकम। मैं और शिवम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारे चाचा के लड़की हुई है कन्या लक्ष्मी, उनके घर में बहन हुई है तुम्हारे। अच्छा, हमारी बहन है। तुम्हारी बहन हुई, उनकी आदत हो गई ना, उनकी हाँ बच्चे को वो हो गए ना, तो इसीलिए। और हमारे मतलब एक नौवी कन्या आई है फैमिली में, मतलब एक और बढ़ोतरी हुई है काफी दिनों बाद एक कन्या का जन्म। और चलिए अब हम चल रहे हैं हॉस्पिटल उसे देखने के लिए। अच्छा लग रहा है ना एक्साइटमेंट? बहन इनकी बहन है छोटी सी, ये सब पता ही नहीं अब तक। होशियारपुर की रेड लाइट होता है, मतलब घुमा के लेके आएंगे। और बारिश का मौसम हो रहा है, देखो लक्ष्मी भी मतलब कैसे मौसम हुए, देखो मौसम कितना बढ़िया है ना। चलो हम दोनों चल रहे, चलो चल। सारे में तो कीच कीच हो गई माँ भी कीच सी हो रही। कैसा लग रहा है एक बेटी आई घर में? बढ़िया बढ़िया। शिवम में तो याद ही नहीं बेटी है इस अब उन चीजों की आदत होगी ना, अब इसके भैया के बच्चे हो लगे जो मतलब फैमिली परिवार में हो सकता है। इनके भी दो बच्चे हो गए, अब सबसे छोटे यही थे। किसके दो बच्चे? गुल्लू चाचा के, एक बेटी एक बेटा। सबसे छोटे भाई तो आपके यही है, तो मतलब इस एकदम कंफ्यूजन सी हो रही क्योंकि अभी कुकू का हुआ लड़का, तो इसके ध्यान ना रही वो तो कि मतलब ये हमारी बहन लगेगी, ये बहन लगी। अरे मौसम कितना मौसम हो रहा है सुबह सुबह, और हमारे इस मौसम में तो आ गए हम। हाँ वही तो बोल रहे हैं इनसे, आप देखने के लिए आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे जाना, फर्स्ट फ्लोर जो है 308 रूम नंबर, और दिखाएंगे सुंदर सी प्यारी सी लड़की। और अभी ये उसके भाई से बात कह रहा है कि लाना मत, मैं भी आ रहा हूँ लाने के लिए। हो गया स्टार्ट। आगे हमारी लिफ्ट, अब जग जा, अब जग जा। यहाँ तो वैसे भी ना उसमें खिलाने की इतनी आदत है गोदी में। हाँ तू जग जा, अब तो ले ही चलेंगे, नहीं तो हाँ बस तेरी मम्मी ठीक ठीक सी हो जा। ऑपरेशन तो चलो है भाई, मायने है कि भाई इससे ज्यादा सुबह से रात तक पूरी रात में सर दर्द के मारे, अब जाके थोड़ी सी ओ चाची कैची सी चले, ऐसा लगे कि मतलब दर्द के मारे शीतल हुआ जी जैसा भी लग रहा है चेहरा थोड़ा। मैं बोल रही हूँ ना, इसमें वो जो सामान है ना ये रख लो। अर्जुन नहाएगी जब सारी अंगड़ाई निकल जाएगी तेरी, है ना? हाँ सुस्ती खत्म, हाँ सुस्ती खत्म, थोड़ा बहुत खुलेगी ना बहुत अच्छा नहा के मन हल्का हो। हाँ बीमारी रहती है जैसे देखा नहीं कितनी भी तबीयत खराब है, वही फूल बाजू क्यों ले लिया, फूल का पहना भी हाफ पे निकाल, हाफ वाला निकाल लो, फूल का हो जाए। ये है मेरी देवरानी जिसको बेटी हुई है, भगवान इसकी हेल्थ जल्दी से खुश रखे और अच्छे से इसे स्वस्थ बनाए और ये ठीक रहे। एली गोलो, मैं तो सही में कल रात ना बिल्कुल कैसी लगी शिवम? बत्तोसी बटुआ से मुक्की, बड़ी सुंदर सी और अच्छा लग रहा है, मतलब गोदी में ले ली ना तो ऐसा लग रहा जाओ ही मत उसके साथ में से। ये तो पहले मना कर रहे कि मतलब गोद में लेने से, मैंने कहा चल दोनों पापा बेटा ये चल दिया आगे आ गए, इतना अच्छा लग रहा सही में, नई फैमिली हमारी बड़ी है और बहुत अच्छा लग रहा। तुमको काम की थी, देख गर्दन नहीं मोड़ रही पापा की। सुबह आ गए देख महा, और लास्ट में लिख रहा ठंडी बियर, महा ठंडी बियर सब जगह में। गर्दन दर्द हो रहा? चल दिए बढ़िया सुंदर सी लड़की, अब वेलकम होएगा उसके दो दिन बाद। और चलो चल रहे हैं घर, और
वापस, क्योंकि वहाँ का भी देखना, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी का घर है ना। पीछे माँ आप सही बैठे हो आगे। हाँ पीछे इतना स्पेस कैसे आपने? बहुत ज्यादा स्पेस है बेटा। क्या खाओगे? कुछ मैं खाऊंगा। ये यहाँ रख के नहीं खाते थे कैसे लग रही? बोलो सजन खालो, जब तुम स्कूल चले जाओ ना मैं ऐसे ही आ अभी लेवा ही कराए तुम्हें ना। ये आप खा लो ना, आप रायता ले रहा लिया लाना तो क्यों? जैसे मेरा बैग देता हूँ। ओहो रायते का मन कर रहा रायता लिया। सुन तो है ना, बैगन की बकवास कर रहा है। सुनता नहीं पर यम्मी है ना, टेस्टी बहुत बनाए रखे। तरसा तरसा खावा है। हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है शिवम पंडित और आज हम फिर से आ चुके हैं आई एम पूजा ब्लॉगर के ब्लॉग में। ये देखो मम्मी चलती आ रही मेरे पीछे पीछे, अब देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों करेंगे इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। चल वॉचिंग माई वीडियो माई बेबी के साथ, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे।